मैं आपको डिटेल देता हूं उस दिन हुआ क्या। उस दिन मैं जब कंटेनर पे था तो एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं। और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। दो आदमी थे। और जब मैं गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं, यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते मेरे ख्याल में इनका, इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे किनारे में इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना, तो ये तो जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारा था। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई, और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मार गया और वो वहां से चला गया। अब जो चीज समझने की है वो ये कि एक तो पकड़ा गया जुनूनी, उसको कहा जी ये तो बड़ा कोई दीनी जुनूनी, कोई इंतहा पसंद है। ये इंतहा पसंद नहीं है, इसके पीछे पूरा प्लान था। ये प्लान पूरा हम अब अनकवर करेंगे, और मैं आपको बताऊं इसके साथ और लोग मुलव्वस हैं, और ये प्लान अब करीब पहले का बना हुआ है। और वो जो असल लोग हैं जिन्होंने वहां से गोलियां चलाई थी, जिन्होंने असल में इसका फिर भी मैं बच जाता, उन्होंने मारना था, और ये आदमी और हमें नुकसान पहुंचाता। दो हीरो ना निकल आते, एक तो शहीद मोहज़्ज़म, मैं उसको आज सलाम पेश करता हूं, दो बच्चों के साथ गया हुआ, वो मेरी, और दूसरा इब्तिसाम, जिस तरह उसने पकड़ा और जिस तरह उसकी अगर दिलेरी ना होती तो इससे तो और इसने बस मार देता था, तो और तबाही कर देता था। 11 लोगों को गोलियां लगी और एक हमारा मौजूद शहीद हुआ। अब हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है, सब डरते हैं क्योंकि कई इदारे ये कानून से ऊपर है। मैं आज जनरल बाजवा से सवाल पूछता हूं कि क्या फौज का वकार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अगर जो आपकी फौज पे काली भेड़ें गलत काम कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं, इंसानों पे तशद्दुद कर रही हैं, अगर आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो फौज का वकार ऊपर जाएगा, लोग इज्जत करेंगे फौज की। लेकिन अगर ये है कि फौज में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमें भेड़ बकरियों की तरह समझ रहे हैं, मार धाड़ करके डरा धमका के, अगर समझ रहे हैं कि इस तरह फौज का वकार ऊपर चला जाए तो नफरतें बढ़ रही हैं। आपके एक मेजर जनरल ने जो मेरे ख्याल में गद्दारी में पकड़ा गया, अमेरिका के लिए गद्दारी कर रहा था, आपने उसको सजा दी, फौज का वकार ऊपर गया, गलत काम कर रहा था। तो क्या ये आप जनरल मेजर जनरल फैसल इसकी तफ्तीश होने देंगे आप, और क्या इस मुल्क में अब तफ्तीश हो सकेगी जब जनरल फैसल के ऊपर इल्जाम है, इंटीरियर मिनिस्टर सनाउल्लाह के ऊपर इल्जाम है, और तीसरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम है? कैसे तफ्तीश होगी जब तक ये तीन लोग रिजाइन नहीं करते, तफ्तीश होगी कैसे? और इधर मैं जनरल बाजवा आपसे भी फौज के वकार के लिए कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह की काली भेड़े। ये जो समझते हैं कि हम इंसान ही नहीं हैं, भेड़ों को कभी इधर मोड़ दो, कभी उधर मोड़ दो, आज वो चोर हैं, कल वो NRO मिल गए तो अच्छे हो गए हैं, आज फिर आप उनको चोर बना देंगे, कल फिर भेड़ी। हम इंसान हैं, इंसानों को जानवरों की तरह ना ट्रीट करें। और इंसान किसी वक्त आके खड़ा हो जाता है, और ये कौम खड़ी हो गई है। ये मैं आज आपको बता दूं, दो रास्ते अब इस कौम के सामने,
या एक पुरमन इंकलाब आएगा और या खूनी इंकलाब आएगा, और तीसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने 6 महीने में इस कौम को जागते देखा है, कौम खड़ी हो गई है। ये जो शऊर का जिन है ये बोतल से निकला है, ये अंदर नहीं जाने लगा। अब फैसला सिर्फ ये कर लें कि हम पुरमन तरीके से इस मुल्क के अंदर चेंज लेके आएंगे, जो कि बैलेट बॉक्स के जरिए आएगा साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए, या वो जो ईरान में हुआ था होगा, तबाही होगी, जो श्रीलंका में लोग सड़कों पे आ जाएंगे, केओस होगा। ये जमात जिसको मारने, जिसको इन तीन लोगों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की और अल्लाह ने बचाया, जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने कहा कि ये जो गोली मेरी ये इधर इधर ऊपर की टांग पे लगी, वो एक गोली मेरी जो वो असल आर्टरी है उसके नीचे से निकल गई और एक उसके पास आके रुक गई। अगर वो रप्चर हो जाती तो 20 मिनट में इंसान मरता है, 20 मिनट में सारा खून निकल जाता है, अगर तो सीधा हॉस्पिटल ना हो 20 मिनट में मर गया आदमी। तो अल्लाह ने अगर मुझे ये बचाया है, जो मुझे आज जिंदा रखा है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इन्होंने तो एक इधर से और उधर से सामने वाले ने मारना था। और फिर सवाल मैं पूछता हूं, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, उसके सरबरा, जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है पाकिस्तान में, ये दो फैमिली पार्टी सुकड़ के छोटी छोटी पार्टीज रह गई हैं। मैं चैलेंज करके जाऊंगा सिंध में और इंशाल्लाह ये जरदारी माफिया को सिंध में हरा के दिखाऊंगा आपको। सिंध के लोग इससे तंग हैं, उनको सबसे ज्यादा गुलाम उधर बनाया हुआ, उनको वो सबसे ज्यादा आजादी तलब कर रहे हैं, और ये शरीफ खान था। मैं चैलेंज करता हूं ये किधर किसी सीट पे मेरे से मुकाबला करे। नवाज शरीफ आए, कहते ना उसे आए, इतनी कोशिशें कर रही है, एनआरओ सबको दे दिया, सारे चोरों को, मनी लॉन्डरर सारों की ईद हो गई है, किसी, वो कहती है मरियम लेवल प्लेइंग फील्ड, चैलेंज करता हूं किसी सीट पे पंजाब में मेरे से मुकाबला कर रहे, क्योंकि पब्लिक चेंज हो गई है। यहां एक जागी हुई कौम है, इनको भेड़ों की तरह ना ट्रीट करें। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, देखें ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। मैं सारी दुनिया फिर रहा हूं, 70 साल मेरी उम्र है, मैंने मगरबी दुनिया अंदर से देखी हुई है। मैं जब 18 साल का इंग्लैंड गया तो मैंने पहली दफा रूल ऑफ लॉ देखा, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बड़े हुए थे यहां 60s में। तो पहली दफा मैंने एक फ्लाई रियासत देखी, वो क्या होती है, और रूल ऑफ लॉ देखा कि कानून सबके लिए एक बराबर, कोई ताकतवर वहां कानून के ऊपर नहीं था, कोई वहां कब्जा ग्रुप नहीं थे, उनकी अदालतें उनको उन कमजोर की हिफाजत करती है, वहां अगर आपके पास पैसे नहीं है लीगल एड देती हैं कि एक आम आदमी जाके अदालत में केस लड़ सके, वहां किसी की जरूरत नहीं है, किसी ताकतवर की जरूरत नहीं है किसी पर जुल्म करे, इसलिए वो कामयाब माशरे हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। मेरे सामने मेरी जिंदगी में देखते देखते सिंगापुर, जो एक पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता था, पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था 60s में, हम तो मिसाल थे दुनिया की, और कहां सिंगापुर, हमारे साथ हमारे से नीचे शुरू हुआ। आज हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो पता नहीं $2000 होगा, सिंगापुर का $60,000 है, क्योंकि उनके स्टेट्समैन ली क्वान यू ने सबसे पहले जोर लगाया कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए, और उसने जब कानून की बालादस्ती होती है तो करप्शन खत्म होती है। करप्शन तब होती है जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब कोई कानून से ऊपर नहीं होता, जब किसी को एनआरओ नहीं मिलता, जब लोगों को पता होता है कि आप जुर्म करेंगे, आप जितने भी ताकतवर, आपको सजा मिलेगी, सिर्फ तब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है और वो माशरे में फिर खुशहाली आती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अदल और इंसाफ, फलाही रियासत बनाई और अदल